वसई अरेला में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से सुताहारी में अज्ञात कारणों से लगी आग। आगरा जनपद के पिनहट ब्लॉक क्षेत्र में सोमवार रात को दो अलग अलग गांवों के खेतों में गेहूं की कटी रखी फसल जलकर राख हो गई। गांव बसई अरेला में वीरेंद्र पुत्र हरिचरण के खेत में ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जल गई, जिसे ग्रामीणों ने बामुश्किल बुझाया। किंतु करीब 2 बीघे की फसल जल गई तो गांव सुताहारी में राम अवतार के करीब 5 बीघा गेहूं की कटी रखी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के खेतों में रखे गेहूं तक पहुंचने लगी, किंतु सूचना पाकर समय पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया और आग को बुझाने में सफलता हासिल की। राम सेवक वर्मा है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उतारी के रहने वाले। अच्छा, ये क्या घटना हुई है? घटना ये रामतार हैं, यहाँ के रामतार निषाद जी, इन्होंने बटाई पर खेत किया था, शिव कुमार शर्मा जी का। ये 10 बीघा का यहाँ गेहूँ इकट्ठा रखा था और उसमें पता नहीं कैसे आग लग गई या किसी ने लगा दी और पूरा का पूरा गेहूँ का लाग जलकर खाक हो गया। दमकल आई है यहाँ, लेकिन बुझाने से पहले गेहूँ यहाँ ख़त्म हो चुका है। यहाँ के इलाका पुलिस पहुँची कि नहीं पहुँची? अभी तो नहीं आई इलाका पुलिस, 100 नंबर पर भी फ़ोन किया था, अभी आ रही है बता रहे हैं, लेकिन दमकल की गाड़ी आ गई है, लेकिन बुझाया है, लेकिन तब तक कुछ बचा नहीं।